हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस को एक बार राहुल यादव। सो हर टाइम फिटनेस की वीडियोस डालता था, तो अभी फर्स्ट टाइम एक व्लॉग की वीडियो बनाऊंगा। अभी वैष्णो देवी की जो चढ़ाई करी थी, 40 किलोमीटर का ट्रैक था, तो टोटल आपको पता है कि जाते हुए बहुत ज्यादा इंक्लाइन है, और वैष्णो देवी वहाँ का माहौल और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे ट्रैक पूरा करना है और किस कब मत्था टेकना है और टाइमिंग क्या है, तो सब श्रद्धालुओं को जो वहाँ जाते हैं और जो आना चाहते हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे और अपने फिटनेस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव। ऑफिस से निकलने के बाद डायरेक्ट हम 4 बजे हमने ट्रैवल शुरू करा था माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, और बीच में काफी जगह हम रुके थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, होटल है द ग्रैंड दीवान, बहुत ही हाइजीनिक एंड वेल मेंटेन स्टाफ था। वेलकम ड्रिंक से हमें सर्व करा गया था, और उसके बाद जैसे ही हमने चेक इन करा, और होटल बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था, तो आप इजीली से बुक कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। मैं इसकी सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। नाम मैं दोबारा बताना चाहूंगा, द होटल ग्रैंड दीवान, और बहुत ही प्यारा रूफ टॉप और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे इस होटल को बनाया गया। इसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू करी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर यूट्यूब सर, मैं आपको बताऊंगा, ये है IRIFD कार्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड। जैसे कि आप अगर यात्रा करोगे तो ये यात्रा के लिए बहुत मैंडेटरी है। पहले यात्रा स्लिप होती थी, बट अभी आपको ये कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। हम जा रहे हैं, हमारे सारे गए हैं, मैं हमारे बैठे मैनेजर साहब, ये शिल्पा है, वो अंजलि है, ये दिशा है, ये मैं हूँ। बस हम 1 बजे पहुँच के आपको मैसेज कर देंगे। भाई है, ये दोनों भाई गाना गाते हैं, भजन गाते हैं ये मंदिरों में। ये है श्लोक है, वो है वरिंदर। वरिंदर जी कैसे हो? तो जयकारा शेराली दा बोल साचे दरबार की जय। तो ये देख लो हम पहुंच गए जी। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो जी। फिर आप देख सकते हो कितने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। जय माता दी, जय माता दी। तो ये भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, अभी सारे व्लॉगर इकट्ठे हो गए हैं। ये भैया भी आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्लोल हो रही है हमारे पीछे। ये भैया भी आएंगे, हंस रहे हैं। जो व्यूज बढ़ा देना बस, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। वैष्णो देवी दरबार, आप पाजी अपने पाजी व्लॉगर ने, मेरा उस्ताद पीछे रह गया, मेरे उस्ताद जी पीछे रह गए ने, क्योंकि हाँ उस्ताद जी को बैग है। 6:45 यात्रा शुरू करी है। एक बार जोर दी हेक ला दो, जब आप लोग दोस्तों के साथ जाते हैं तो यात्रा का पता नहीं चलता, तो बहुत मजा आता है। हंसी मजाक जब होता है तो आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है, पता नहीं चलता। तो पहला जो पड़ाव था चरण पादुका क्रॉस करते ही हमने थोड़ा बहुत स्नैकिंग करी, और दोबारा हमने इसके बाद चढ़ाई शुरू करी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दृश्य था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जे तुसी चाह पीनी है, ऐसे पीनी है। 7 बजे हमने चढ़ाई शुरू करी थी,
और मैं देख रहा हूँ कि 10:30 बजे तकरीबन 11:30 बजे तक हम माता के भवन पहुंच जाएंगे। तो देख सकते हो कि पीछे यात्रीगण का जो भीड़ है वो बहुत है और जो डिवोट्स हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जय माता दी। सो सारे भक्तों को जो भी यहाँ ट्रैवल करते हैं वैष्णो देवी में, तो एक तो होटल बहुत शानदार है और प्लस आपको पता है माता देवी के दरबार पे सब आते हैं तो चेहरे पे अलग रौनक होती है। और जो लोग वैष्णो देवी आते हैं तो वैष्णो देवी आने के बाद बहुत से लोग स्टे के लिए होटल्स वगैरह हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। बट पहले आपको एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाना चाहता हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि माता का व्यू है और मतलब यार इनको देख के दिल खुश हो जाता है। पीछे यहाँ से मुझे डायरेक्ट गर्भ जून दिख रहा है जहाँ पे माँ ने 9 महीने आराम किया था उस गुफा के अंदर। और मैं आपको गर्भ जून दिखा देता हूँ, गर्भ जून दिख रहा है दूर से। और इस टाइम क्लाउडी हो रखा है वेदर। और ये है हमारा होटल रूफ टॉप और ये है हमारी मैया। वो मैं तो बहुत ही अच्छी लोकेशन बता रहा हूँ, आप देख सकते हो रूफ टॉप है एंड इसी रूफ टॉप से आपको पीछे जो लोकेशन है बहुत प्यारी मिलेगी। तो आपको मैं बताऊंगा कि होटल का जो नाम है द ग्रैंड दीवान। देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया सर्विस मिली सामने यार। देखो ऑन टाइम सर्विस ही, पानी जो भी तुझे मंगो ऑन टाइम। एक कॉल मारे थे आंदे सीगे, एक कॉल दे 5 मिनट चा खाते। हां बहुत बढ़िया सर्विस है होटल द ग्रैंड दीवान। मैं के लेके आना भाजी, भाई बहुत बढ़िया काम है। जब भी आएंगे भाई मिलेंगे। जय माता दी। बहुत ही नज़ारा आया और बहुत ही सच्चे मन से माँ के दर्शन हुए और गर्भ जून गुफा में उनके दर्शन हुए। और जो लोग माता के गर्भ जून की आरती अटेंड करना चाहते हैं और गर्भ जून की गुफा में ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे जाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ गर्भ जून में बहुत ज़्यादा वेटिंग है, लोग 3-3 दिन वेट करते हैं, तो मैं आपको ये आइडिया दूँगा कि आप ऑनलाइन पर्ची करा के जाएँ। तो मैं वेबसाइट एक अलग से उसकी वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कैसे आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है। और उसका जो प्राइस है सिर्फ 300 रुपये है पर पर्सन। और बहुत ही मज़ा आता है जब आप आरती में बैठते हो। आरती के बाद आपको टिकट लेने से पहले आपको पंचमेवा प्रसाद और उसके बाद आरती और थोड़े बहुत वो भजन गाते हैं और उसके बाद आपको गर्भजून गुफा में लेके जाया जाता है। कहते हैं कि जो गर्भजून को एक गुफा से निकल कर जाते हैं उनकी जीवन और मृत्यु का जो मोक्ष है वो प्राप्ति मिल जाती है। और बहुत ही प्यारा लगता है जब आप गुफा से निकल कर जाते हैं। बहुत ही ऑसम वेदर हो रखा है, आप देखो क्लाउडी हो रखा है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब यहाँ इस लोकेशन पे और माँ के दरबार पे। तो आप सभी को बोलूँगा कि आप वैष्णो देवी जब आएँ माता जी का नाम लें, वो बुलाएगी, बुलाने वाली माता है और आने वाले हम लोग। तो सब श्रद्धालुओं को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।